Hello students, today we see the next topic, that is the tropospheric scatter propagation. Okay, so see, this is the diagram of troposphere scatter propagation. In this we see the two antennas is there, that is transmitter and receiver. Okay, that on the earth surface. Okay, after when this transmitter transmit the ultra high frequency wave above the 50 किलोमीटर from the earth surface. Okay, जो transmitter है वो क्या करता है, जो ultra high frequencies wave है वो transmit करता है earth के 15 किलोमीटर ऊपर. Okay, बाद में जो है, बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ जो वेव्स है ओके उनका क्या हो जाता है, इधर स्कैटर वैल्यू. स्कैटर मीन्स क्या होता है, अगर यहाँ पे आए तो वो ऐसे स्कैटर्स हो जाते हैं, डिवाइड्स हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं. ओके उसको ही हम क्या बोलेंगे, स्कैटर. ओके जो भी यहाँ पे अगर वेव आ गई तो यहाँ पे क्या होगा, वो स्प्रेड हो जाएगी, मीन्स इट इज अ स्कैटर वॉल्यूम. ओके और कुछ कुछ जो वेव है वो क्या हो जाती है, नीचे, मीन्स दैट इज बेंड टूवर्ड्स द रिसीवर. ओके उनको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरवर्ड स्कैटर बोलेंगे. ओके और यहाँ पे जो बची हुई है, मीन्स बची हुई वेव जो है, जो बेंड नहीं हुई है, वो क्या हो जाती है, स्कैटर वॉल्यूम यहाँ पे वो क्या करती है, क्रिएट करती है. उसकी वजह से क्या होता है, अपना जो स्कैटर है उसमें क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है. लॉस्ट स्कैटर मीन्स सम अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे लॉसेस हो जाती है, जो वेव्स है वो लॉस हो जाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉस्ट स्कैटर. ओके और उसके बाद में जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम लोग अभी. तो फर्स्ट पॉइंट देखो, एट द अर्थ वी हैव अ प्लेस ट्रांसमीटर एट वन प्लेस ओके एंड रिसीवर एट अनादर प्लेस. ओके द ट्रांसमीटर ट्रांसमिट सम सिग्नल, दैट सिग्नल गोज टूवर्ड टू द स्काई इन द स्कैटर वॉल्यूम. ओके ये जो सिग्नल है ट्रांसमीटर क्या करता है, वो ट्रांसमिट करेगा स्कैटर वॉल्यूम में, विच कंटेन लॉट्स ऑफ स्कैटर. ओके यहाँ पे ऑलरेडी जो है हमारे स्कैटर जो है रहते हैं बहुत सारे. स्कैटर मीन्स ऑलरेडी बताया मैंने, वो स्प्रेड होती है वेव्स. ओके व्हेन द सिग्नल बेंड ऑफ रिफ्लेक्ट्स एट अ स्कैटर वॉल्यूम टूवर्ड्स द रिसीवर, सम स्कैटर लॉसेस एंड सम स्कैटर रिटर्न बैक टूवर्ड्स द अर्थ, दे आर कॉल्ड एज द बैक ऑफ स्कैटर. ओके मीन्स क्या हो जाता है, जो कुछ कुछ जो ट्रांसमीटर से वेव आती है, कुछ क्या हो जाती है, बेंड होके जो है वो रिफ्लेक्ट क्या हो जाती है, स्कैटर होके रिटर्न बैक टूवर्ड्स द अर्थ आ जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ बैक स्कैटर. ओके और जब ये होता है तो क्या होता है, अगर बैक स्कैटर वेव रिटर्न आ गई है तो उसके वजह से वहां पे क्या होते हैं, स्कैटर लॉसेस होते हैं. ओके उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, द सिग्नल रिसीव बाय द रिसीवर आर कॉल्ड फॉरवर्ड स्कैटर. ओके जो भी सिग्नल रिसीवर रिसीव करता है बचे हुए उन वो सिग्नल को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द फॉरवर्ड स्कैटर्स. ओके नेक्स्ट है द रीजन फॉर द स्कैटरिंग इज नॉट फुल्ली नोन. ओके इसके इसका जो रीजन है उसका जो है मीन्स एक्यूरेटली जो है इसका रीजन पता नहीं है कि ये क्यों होता है, लेकिन देयर आर टू थियरीज सजेस्टेड, मीन्स दो थियरी है उस पे इस पे स्कैटरिंग पे, ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन पे. तो फर्स्ट है, वन ऑफ देम सजेस्ट दैट स्कैटरिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल्स.
दो थेरी है, उसमें से फर्स्ट थेरी क्या कहती है कि ये किसके वजह से होता है, एटमॉस्फेयर में जो भी डस्ट पार्टिकल्स है उसमें से जो भी क्या होता है लाइट स्कैटर होता है, उसके वजह से क्या होता है ये ट्रोपोस्फियर स्कैटर प्रोपोगेशन होता है। और सेकंड जो थ्योरी है, द अदर थ्योरी सजेस्ट दैट द स्कैटरिंग इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ एटमोस्फियरिक लेयर्स। ओके, दूसरी थ्योरी क्या कहती है कि ये किसके वजह से होता है ट्रोपोस्फियरिक स्कैटर प्रोपोगेशन, किसके वजह से होता है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द एटमोस्फियरिक लेयर्स। ऑलरेडी एटमोस्फेरिक लेयर्स जो होती है हम लोगों ने देखी है, उसके वजह से जो रिफ्लेक्शन होता है उसके वजह से ये ट्रोपोस्फेरिक स्कैटरिंग प्रोपोगेशन होता है। तो ये दो थेरीज है जो है इसके बेसिस पे वो एक्सप्लेन हो रहा है ये टर्म। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसीज मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर 900 MHz, 2 GHz, 5 GHz। ओके, मोस्टली फ्रीक्वेंसी जो हम यूज करते हैं इसमें ये कितनी होती है, 900 MHz होती है, या फिर 2 GHz होती है, या फिर 5 GHz। ये तीनों में से मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। ओके, ये तो हो गया डायग्रामेटिकली हम लोगों ने देखा, अभी डिटेल नोट्स भी देख लेते हैं एक बार। सी, दीज आर द डिटेल नोट्स ऑफ ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन। फर्स्ट पॉइंट इज ऑलरेडी सी, दैट इज अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वेव, दैट इज 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। ओके, उसके बाद है एट द अर्थ वी हैव प्लेस अ ट्रांसमीटर एट वन प्लेस एंड रिसीवर एट द अनदर प्लेस। द ट्रांसमीटर ट्रांसमिट सम सिग्नल एंड दैट सिग्नल गोज टू द स्काई इन द स्कैटर वॉल्यूम विच कंटेन लॉट्स ऑफ स्कैटर। ओके, वेन द सिग्नल बेंड और रिफ्लेक्ट एट द स्कैटर वॉल्यूम टूवर्ड्स द रिसीवर, सम स्कैटर लॉसेस एंड सम स्कैटर रिटर्न बैक टूवर्ड्स द अर्थ, दे आर कॉल्ड एज द बैक ऑफ स्कैटर। ओके, द सिग्नल रिसीव बाय द रिसीवर आर कॉल्ड द फॉरवर्ड स्कैटर। ओके, सी नेक्स्ट, द रीजन फॉर द स्कैटरिंग इज नॉट फुल्ली नोन। देर आर टू थेरी सजेस्टेड, वन ऑफ देम सजेस्ट दैट स्कैटरिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल, सॉरी डस्ट पार्टिकल्स, एंड द अदर थेरी सजेस्ट दैट द स्कैटरिंग इज ड्यू टू रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द एटमोस्फेरिक लेयर्स। ओके, द फ्रीक्वेंसीज मोस्ट कॉमनली यूज आर 900 MHz, 2 GHz, 5 GHz। ओके, दीज आर द डिटेल नोट्स on today's topic, and the topic will be end. So thank you.